एक ससुर ने अपनी विधवा बहू के साथ जबरदस्ती संबंध बनाकर बार बार संबंध बनाए और फिर बहू के पेट में ठहरा दिया बच्चा। अब वह बच्चा उसको पापा कहेगा या दादा कहेगा? तो दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं समाज में हो जाती हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो यह घटना घटी? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है उत्तर प्रदेश के बरेली की। उत्तर प्रदेश के बरेली में प्रीति नाम की एक औरत रहा करती है जिसकी उम्र 30 साल है। सन 2014 में उसकी शादी हुई थी। उसके पति का नाम था सुरेंद्र। दोस्तों उसको दो बच्चे हो जाते हैं उनको, और अब क्या होता है, सुरेंद्र बीमार हो जाता है। बीमारी के चलते उसका निधन हो जाता है और घर पर रह जाते हैं उसके दो बच्चे और उसकी पत्नी प्रीति। प्रीति अपने मायके नहीं जाती है, प्रीति वहीं पर रहने लगती है और अपने बच्चों को पालने लगती है। वहां पर उसका ससुर होता है। ससुर का नाम बनवारी, बनवारी की उम्र 50 साल होती है और उसकी सास होती है, और घर के अंदर एक ही लड़का था। सास और ससुर वहां पर होते हैं तो उनका ही ख्याल रखने के लिए वह वहाँ पर रुक जाती है। अब क्या होता है, अब उसका जो ससुर होता है बनवारी, उससे नैन मटक्का मिलाने लगता है, उससे संबंध बनाने की कोशिश करता है। लेकिन पहले पहले तो वह मना करती है, लेकिन घर के अंदर रहना, एक ही घर में रहना वह कब तक बचती। उसका ससुर उसके साथ संबंध बना ही लेता है, क्योंकि उसका पति भी नहीं था, वह अकेली थी, वह भी तनहा थी, तो इस समय बांध को तोड़ना मुश्किल नहीं होता है। दोस्तों अब क्या होता है, उसका ससुर उसके साथ संबंध बनाता है और संबंध बनाने के साथ साथ उसका वीडियो भी बना लेता है चुपके से। अब वह सिलसिला रोज रोज का स्टार्ट हो जाता है। जब भी उसकी बहू प्रीति संबंध बनाने से मना करती तो ससुर उस वीडियो के बारे में बताता कि मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, या तो मेरे साथ संबंध बना ले। उसको जबरदस्ती अपने ससुर के साथ संबंध बनाने पड़ते। धीरे धीरे इसी तरह से मामला चल रहा होता है। अब क्या होता है, प्रीति गर्भवती हो जाती है अपने ससुर से। गर्भवती हो जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि अब तो बदनामी हो जाएगी, मैं अपने पीहर भी नहीं जा सकती और किसी और को भी नहीं बता सकती, यह आखिर हुआ तो हुआ क्या। वह अपने ससुर से कहती है कि मैं तो अब गर्भवती हो चुकी हूँ और यह बच्चा तुम्हें पापा कहेगा या दादा कहेगा, तुमने ये क्या किया मेरे साथ। दोस्तों ससुर कहता है कि चिंता मत करो, इसको हम गिरवा देंगे। तभी हॉस्पिटल में जाते हैं और जैक जुगाड़ लगा करके उस बच्चे को गिरवा दिया जाता है। बच्चे को गिरवाने के बाद अब प्रीति डर जाती है, क्योंकि बच्चा पेट में रह गया था, बदनामी से बड़ी मुश्किल से बची थी। अब प्रीति अपने ससुर से कहती है कि अब तुम मुझसे दूर रहो। लेकिन ससुर को तो चस्का लग चुका था, वह उससे दूर कैसे रहता। वह फिर भी उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, और अब वह संबंध बनाने से मना कर देती है और कह देती है कि जाओ उस वीडियो को बेशक वायरल कर दो, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर अब उसका ससुर उसे प्रताड़ित करने लगता है। दोस्तों प्रीति परेशान होकर ससुर से पुलिस थाने पहुँचती है और वहाँ जाकर सारी घटना बता देती है। कहती है कि मेरे ससुर ने एक वीडियो भी बना रखा है, उसको वायरल करने की धमकी देता है और मेरे साथ संबंध बनाता है मजबूर करके। पुलिस तुरंत उठती है और उसके ससुर बनवारी को अरेस्ट किया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है और उसके ऊपर केस दर्ज किया जाता है। इस तरह से यह घटना यहाँ पर निपटती है। दोस्तों ऐसे ऐसे ससुर और ऐसी ऐसी बहुएँ भी समाज के अंदर होती हैं जो अपना काम निकालते रहते हैं, और फिर जब बाद में जोर दबाव पड़ता है तो फिर ऐसी घटनाएं यहाँ पर हो जाती हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम में मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।